आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी, जो कि सभी की फेवरेट होती है। पाव भाजी, सभी के मुंह में पाव भाजी का नाम सुनते ही पानी आ जाता है। ये होगी मुंबई की फेमस पाव भाजी, जो कि स्ट्रीट स्टाइल में होगी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एकदम इजी स्टाइल में पाव भाजी घर पे ही बनाना, कि घर पे ही कैसे मज़ा लिया जा सकता है पाव भाजी का, वो भी स्ट्रीट स्टाइल में। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चटोरी मोना के किचन में। चलिए अब मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने एक कुकर लिया है, उसमें 2 चम्मच तेल डाल लिया है वेजिटेबल ऑयल, और उसी में मैंने चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, जिसमें मैंने चॉप्ड कैरेट, बीन्स, पोटैटो, पीस एंड ब्रोकली ले लिया है। अब मैं सारे वेजिटेबल्स को थोड़ा भून लूँगी 5 मिनट तक। अगर आपके पास ब्रोकली नहीं है तो आप कॉलीफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ब्रोकली था, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रोकली का यूज़ किया है। पाव भाजी ऐसा चीज़ होता है जिसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल लिया है और मैं ऑरेंज फूड कलर डालूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी पानी, जो कि वेजिटेबल्स के बराबर होने चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और इसे 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दूँगी। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें मैंने बटर और वेजिटेबल्स ऑयल बराबर में डाल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा ऐड किया है और थोड़ा सा चीनी मैंने एक पिंच डाल लिया है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। चॉप्ड ऑनियन मैंने यहाँ पर ऐड किया है, उसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे भून लूँगी। अब लीजिए, मेरा यहाँ पे प्याज भुना चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड कैप्सिकम और चॉप्ड कॉलीफ्लावर। इसे भी कुछ देर भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिली, जिंजर, गार्लिक का पेस्ट। आप अगर रेड चिली पाउडर खाना पसंद करते हैं तो आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, और यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप्ड करके डाल दिए हैं। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ सॉल्ट, जितना आप पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स उबालते समय भी थोड़े नमक डाले थे, तो मैंने उसी के हिसाब से नमक यहाँ पे ऐड किया है। टमाटर जब तक थोड़ा मैशी नहीं हो जाता तब तक मैं इसे थोड़ा ढक करके 10 मिनट के लिए भून लेती हूँ धीमी आँच पर। अब लीजिए, टमाटर अच्छे से भुना गया है। अब मैं इसे मसाले को अच्छे से भून लूँगी। मसाले को अच्छे से दबा दबा करके चला चला के भूज लीजिए, क्योंकि पाव भाजी का टेस्ट तो तभी आता है जब इसका एक एक मसाला अच्छे से मैश किया हुआ हो। मैं इसमें 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला ऐड कर दूंगी, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, आप इसके 2 टीस्पून डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून लूँगी, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी, क्योंकि पाव भाजी में कसूरी मेथी डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं यहाँ पर कुकर खोल के देख लेती हूँ कि कुकर का सीटी हुआ है कि नहीं। लीजिए, कुकर खोल रही हूँ और वेजिटेबल्स अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लेती हूँ, एक एक वेजिटेबल्स को मैश कर लूँगी यहाँ पर। अब देखिए, मसाला तो अच्छा से भुना चुका है, कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसमें मैश्ड वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगी। सारे वेजिटेबल्स मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी और सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए मसालों में। मुझे कढ़ाई थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे कुकर में ही सारे वेजिटेबल्स को मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसमें जो वेजिटेबल्स मैंने बॉयल किए थे उसके वेजिटेबल स्टॉक को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। आपके पास यदि कम होंगे तो आप थोड़ा बॉयल्ड वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दूंगी धीमी आंच पे ढक करके। अब लीजिए, मैंने यहाँ पे 10 मिनट बाद खोला है, तो कितना अच्छा कलर आया है भाजी का।
लीजिए, भाजी तो रेडी हो चुका है। अब मैं इससे थोड़ा और गार्निशिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ कैशू नट ले लिए हैं, उसे मैं पैन में फ्राई कर लूँगी, क्योंकि कैशू नट से भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा देर उसे घी में भून लेने के बाद या बटर में भून लेने के बाद मैं इसे एक साइड में रख लूँगी और बाद में इसे भाजी में डाल लूँगी। कैशू नट तो रेडी हो चुका है। अब मैं उसी पैन में लूँगी ये कश्मीरी लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला मैं डाल लूँगी और इसे कुछ देर तक धीमी आंच पे भून लेंगे। और भून लेने के बाद मैं इसे डाल लूँगी भाजी के अंदर, तो कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये इस तरीके से अगर आप तड़का दें तो भाजी में। फिर मैं ऐड कर लूँगी इसमें गार्निशिंग के तौर पे कैशू नट जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। मन तो कर रहा है कि मैं अभी ही इसे खा लूँ, लेकिन अभी इसमें टाइम है क्योंकि मैं अभी इसे चॉप्ड धनिया से गार्निश करूँगी। और उसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने बटर ऐड कर लिया है और थोड़ा भाजी मैंने डाल दिया है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे भाजी डाला है, उसमें मैंने थोड़ा चॉप्ड धनिया डाल दिया है और फिर मैं इसमें थोड़ा पाव भाजी मसाला ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने पाव डाल दिया है और उसे मसाला से कोट कर लेंगे और फिर ऊपर मैं यहाँ पे बटर लगा दूँगी पाव के ऊपर, क्योंकि बटर है और पाव है तो दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। पाव में बढ़िया सा ढेर सारा बटर लगा करके आप इसे सेक लीजिए। आप चाहे तो केवल बटर लगा करके सिंपल सा पाव को सेक सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नए अंदाज में आपको पाव भाजी सर्व करके दिखाऊं। आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जिस तरीके से मैंने आपको पाव भाजी बताई है आपने उस तरीके से बनाई है कि नहीं, और यदि बनाई है तो आपकी कैसी बन के तैयार हुई है। तो अब मैं इसे प्लेटिंग कर देती हूँ। मैंने जो 2 पाव सेका था उसे मैंने रख लिया है और मैं यहाँ पर अब भाजी डाल देती हूँ। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में। अब खाने में कितना टेस्टी होगा वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। अब मैं ऊपर से थोड़ा कैशू नट और बटर से इसे गार्निश कर देती हूँ, क्योंकि पाव भाजी है तो बटर ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बटर ज़रूर डालिएगा और सिर्फ बटर डाल के ही सर्व कीजिएगा। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया है, लेमन जूस बहुत अच्छा लगता है पाव भाजी में। और साइड में मैंने रखा है लेमन, चॉप्ड ऑनियन और चिली। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और आनंद उठाइए इस गर्मा गर्म पाव भाजी का। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ।